स्वागत है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं डंकी ड्रॉप 2, जो कि है टाइटल है लुटपुट गया शाहरुख खान, तापसी राजकुमार हिरानी, प्रीतम अरजीत। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। लेकिन से पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा मैं लोग चैनल का लिंक और स्ट्रीम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। जियो स्टूडियोस यूके कनाडा, ओ नाइस, ऑस्ट्रेलिया, पुटिया जाऊंगा तेरे इश्क में गोते खाऊंगा, ओ मन्नू मैं तो गया तेरे दिल में टेंट लगाऊंगा, हुन पिंड ना वापस जाऊंगा, ओ मन्नू मैं तो गया। बंदा जीता था खुल के तेरी गली में आया भूल के जी, चंगा भला सी मैं लुट पुट गया, मैं तो दुम लुट पुट गया, लुट है ना, मैं तो गया, मैं तो लुट पुट गया। वाओ डांस बहुत जगह रहे हैं। लग रहे हैं। ये नीचे अब पट पे मार, मोटे पे मार, चमेट मार। मुझे नहीं, पहले सोता था रातों में, अब जाग जाग कर ख्वाब तेरे देखूं, ऐसा क्यों मैं तन्हा तन्हा रहता था, अब बेगानों से भी पूछूं हाउ डू डू, ऐसा क्यों दिल तनवाई मोशन पुछदा है मैनु क्वेश्चन की, चंगा भला सी क्यों लुट पुट गया, मैं तो दम चक पक दम लुट पुट गया, लुट पुट गया। मैं बता नहीं कैसे खा रहे हैं। मैं तो लुट पुट लुट पुट लुट पुट गया यार, कुर्तों के कलर बहुत अच्छे लग रहे हैं। ताड़ना बंद करो जी, एक बार वीजा लग जाए उसके बाद ताड़ लेना। भाई गाने की बात करें तो गाना तो बहुत अच्छा था, लेकिन उसके साथ साथ जो एक लोकेशन थी ना, मुझे लोकेशन भी बहुत ज्यादा अच्छी लगी। जैसे पूरा गांव जो है, मतलब वैसे सेट लगाया होगा ये या ओरिजिनल लोकेशन होगी? ये तो मुझे सेट ही लग रहा था, सेट लग रहा था ना, मुझे भी वैसे सेट ही लग रहा था। लेकिन जिस तरह वो बनाया गया ना, पूरा गाँव, आस पास हरियाली और बीच में, लोकेशन बहुत अच्छी लगी। मुझे म्यूजिक भी अच्छा लगा, मुझे सॉन्ग भी अच्छा लगा, मुझे शाहरुख खान सर के डांस मूव्स बहुत अच्छे लगे। लाइक ही इज 58 और इस मतलब एज में इस तरह से डांस करना, क्योंकि जो दो तीन डांस मूव थे ना जो बहुत ही हाइलाइटेड थे, उसमें आपको अच्छी खासी एनर्जी चाहिए होती है, और मतलब एक एज में आकर आपकी एनर्जी लो होती है। तो हमारे तो इस एज में लो है। एग्जैक्टली, सो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि जो डांस मूव थे ना उसमें आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए, स्पेशली आपकी कमर वाला जो पोर्शन है, क्योंकि अगर हम लोग देखें शाहरुख खान सर को मतलब काफी देर से एक प्रॉब्लम है कि कमर का एक इशू है उनको, बट ठीक है, डॉक्टर्स है, फैसिलिटीज है, सब कुछ है, बट उसके बावजूद मुझे लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने डांस किया है मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि भाई आपका जो प्रेशर है आपकी बॉडी के लोअर पार्ट पर रहता है ज्यादा, तो ये मतलब मैं ये बात सीरियसली देखकर हैरान हो रही थी, क्योंकि आज के टाइम में अगर मुझे भी बहुत जंप वाला करना पड़े ना, तो मुझे थोड़ा सांस काफी फूल जाती है। आज के टाइम में ना आपको 58 इयर्स के जो लोग हैं जो अभी हैं वो आपको इस तरह फिट भी जो है वो नजर नहीं आते, वो ऐसे लगते हैं 70 और 80 को जो है ना वो हाथ मार रहे हैं अपने अपने
पापा जी को सारे ले लें, मतलब अगर हम लोग भी अपने पापा जी की बात करें, वो 60s की लाइन में है, लाइक राउंड अबाउट 70 होंगे, राउंड अबाउट 70 के पास होंगे, लेकिन अपने 58 में हमारे पापा जी भी इतने यंग नहीं होंगे। बिल्कुल ही, मैं कह रहा हूँ कि देखे भाई आप जो है ना फर्क भी तो देखे ना, लेकिन हाँ भाई हर गाने में जो है आपको आइकॉनिक स्टेप जो है वो देखने को मिलते हैं, जैसे झूमे जो पठान जो गाना था उसमें भी अगर आप देखे आपको आइकॉनिक स्टेप देखने को मिला, तो इसमें भी आपको जो है ना एक आइकॉनिक स्टेप देखने को मिला। लेकिन उसके अलावा एक और चीज जो है जो मैंने जो है नोट की वीडियो देखते देखते जो है ना तापसी पन्नू वो टोका उल्टा चला रही थी, उन्होंने ये चीज नोट की है, वो ऐसे चला दे दोनों साइड से करके देखूंगी, अगर दोनों साइड पे कट लगा वो टोका दोनों साइड पे लगा तो हो जाता है, लेकिन वो भी मैंने बड़े ध्यान में देखा है, एक साइड पे टोका लगा था उल्टा चल रहा था। अच्छा सॉन्ग में ना एक चीज मुझे और बड़ी अच्छी लगी कि लाइक जो बीच में जो गाने का एक था ना कि लाइक लुट गया कुछ इस तरह से बीच में, वो बहुत ज्यादा मुझे मजे का लगा। और मुझे जो है ना जो गाने का वो एक पंच लाइन है लुट पुट गया, तो भी मुझे बहुत ज्यादा हकीकत लगी, क्योंकि भाई जो कंट्रीज है यूरोपियन कंट्रीज हो गए, कैनेडा हो गया, अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यहाँ पे जाते जाते वाकई पता लुट पुट जाता है। बैंक स्टेटमेंट ऐसी होनी चाहिए, बैंक स्टेटमेंट चले वो एक अलग चीज है भाई, जो इतनी फीसें मांगते हैं वीजे की, बिल्कुल कंसल्टेंट वो, ये सिर्फ पाकिस्तान में ज्यादा होता है, मुझे इंडिया का तो पता नहीं है बट पाकिस्तान में ऐसा था। खैर अभी हम लोग सिर्फ फोकस करेंगे सॉन्ग पर, मैं कहूंगी अरिजीत सर ने बहुत अच्छा बहुत शानदार सॉन्ग गाया, प्रीतम सर ने बहुत अच्छा म्यूजिक दिया है, हालांकि जो थोड़ा गाने का जो स्टाइल था ना, जो जैसे बीच में मैं बोल रही हूँ गुपचुप गुपचुप जिस तरह जो भी मतलब वो साउंड था, ज्यादातर हम लोगों को ना अमित त्रिवेदी सर के गाने का एक स्टाइल है ना, उसमें बड़ा ये वाला एक टच महसूस होता है, बट ये कि बहुत मजा आया, बहुत सॉफ्ट सा और बबली सा सॉन्ग हम लोगों को देखने को मिला, और लास्ट में जिस तरीके से तापसी जी ने बोला कि भाई ताड़ना बंद करो, वो वाला कमाल मजा आ गया देखकर, बाकी ताड़ लेना जितना ताड़ना होगा, बट ओवरऑल मुझे पिक्चराइजेशन बहुत अच्छी लगी, मुझे शाहरुख खान सर के सारे कुर्ता कलेक्शन बहुत अच्छे लगे और उनका स्वैग बहुत अच्छा लगा, मतलब एक चीज मानने वाली है लाइक 58 की एज में भी लाइक जिस तरीके से उनकी एक स्क्रीन अपीयरेंस होती है ना, वो मैं कहूंगी कि कमाल की है, लाइक आप वाकई में देखकर ना इंजॉय कर रहे होते हो। सो अब मूवी आएगी तो देखेंगे, और जहां तक मैंने सुना है ये आई थिंक शाहरुख खान सर की जो जितनी भी मूवीज आ रही है उनमें से सबसे कम बजट की ये मूवी है, तो मुझे लगता है कि ये मूवी की स्टोरी भी कमाल की होगी, बाकी अब मूवी आएगी तो देखेंगे और कौन कौन से सॉन्ग्स आएंगे वो भी हम आपके साथ देखेंगे। अच्छा जी टाइगर 3 का सॉन्ग भी डेफिनेटली एक हमें सजेस्ट किया गया, वो भी हम जरूर देखेंगे आपके साथ, बाकी आप जरूर बताइएगा कि आपको ये सॉन्ग कैसा लगा, और इसी के साथ हमें ज्यादा बड़ी वीडियो मत चैनल करें।